हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर हम विंडो फॉर्मेट करते हैं और विंडो फॉर्मेट होने के बाद अगर हमारे स्क्रीन पे ये एरर शो करता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, तो ये एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसको हम कैसे ठीक करेंगे, जैसे कि हमारी विंडो जो फॉर्मेट हो चुकी है उससे उसके बाद वो आगे प्रोसेस ले। तो आइए मैं आपको ये प्रोसेस, इस एरर को क्लियर करना सिखाता हूँ। दोस्तों, इस एरर को क्लियर करने के लिए हमें सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, सीएमडी कमांड, उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप सिंपली F10 बटन को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये सीएमडी कमांड जो है ओपन हो जाएगी। इसको ओपन होने के बाद हमें सिंपली इस पर टाइप करना पड़ेगा, इस पर हमें रेजिडेट टाइप करना पड़ेगा। मैं टाइप कर देता हूँ REZEDIT। इसको टाइप करने के बाद आप सिंपली इंटर मारोगे। इंटर करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। तो आपको सिंपली इसमें जो थर्ड ऑप्शन है लोकल मशीन, ये H की लोकल मशीन वाला प्लस सिंबल पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप दोस्तों इस पर देखेंगे सिंपली सिस्टम है सबसे लास्ट में, तो इस पर आपको सिस्टम पर क्लिक करना है। सिस्टम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ सेटअप का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको भी प्लस पैसे क्लिक करके इसको भी खोल लेना। इसके ऑप्शन भी आप देखोगे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये नीचे है स्टेटस, स्टेटस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ एक ऑप्शन आएगा, इस एरर को हम साइड में खिसकाते हैं। इस स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ फोल्डर्स हैं, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ये है चाइल्ड कॉम्प्लिकेशन के नाम से, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारे पास यहाँ कुछ फाइल ओपन होके आ जाएंगी, आप देख पा रहे हो। तो इसमें से इस वाली फाइल को, जो सेटअप फाइल है, इसको हमें डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप, और या राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये ओपन होने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे बेस में हेक्साडेसिमल ही सिलेक्ट करके रखना है। अगर आपके में डेसिमल सिलेक्ट है तो आप हेक्साडेसिमल सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो वैल्यू डाटा है ये यहाँ पे 1 को हटा के 3 टाइप कर दीजिए कीबोर्ड की मदद से। जैसे आप 3 टाइप करोगे और इसको ओके कर दोगे तो जो भी हमारा इसमें जो एरर था ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें सिंपली इस डायलॉग बॉक्स को यहाँ से क्रॉस कर देना है और सीएमडी कमांड को भी क्रॉस करके इस एरर पर सिंपली ओके कर देना है, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट होने के लिए चला जाएगा। और रिस्टार्ट होने के बाद जो हमारी इसमें आगे की प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगी। बेसिकली ये फॉर्मेट करने के समय ही आती है ये प्रॉब्लम। जब हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव या सीडी की माध्यम से, तो ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादातर फेस करने को दिखती है। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके इसको नॉर्मली रिस्टार्ट किया है आपके सामने। अब हम इसमें वीडियो में आगे देखते हैं कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है या नहीं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो रहा है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं अपने सिस्टम का रिस्टार्ट होने के लिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है और जो भी प्रोसेस हमारी नहीं ले रहा था फॉर्मेटिंग के बाद, तो आप देख पा रहे हो ये हमारी प्रोसेसिंग के लिए आगे बढ़ गया है। तो इसके बाद हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना जो सिस्टम है उस हमें अपना सिस्टम नाम मांगेगा हमसे कि हमें अपने विंडो को क्या नाम देना है, तो वो नाम टाइप करना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। ये प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसमें हमें क्या टाइप करना है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। तो ये हमसे हमारे कंप्यूटर को जो भी हम नाम देना चाहते हैं
वो हम नाम दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आपका नाम कृष्णा है तो हम यहाँ पे कृष्णा टाइप कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कृष्णा टाइप कर दिया है, कृष्णा टाइप करने के बाद सिंपली हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो हम अगर इसको पासवर्ड देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। बाकी अगर आपके पास इस विंडो की वो प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको नॉर्मली आप यहाँ से चेक हटा दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन चेक होती है। अगर आप पायरेसी विंडो आप चला रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडो व्हेन आई एम ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन हो गए तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास की है, जब की नहीं है तो इसको हटा दीजिए, उसके बाद इसको हम बाद में एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद आप सिंपली इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद इसमें हम आस्क मी लेटर भी कर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शन है, इनके अंदर भी काफ़ी सेटिंग होती है, तो अभी हम इनको नहीं करते हुए आस्क मी लेटर करेंगे। उसके बाद हमारी ये विंडो है, इसको हमें टाइम एंड डेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी हम टाइम जोन में रहते हैं अपने अनुसार, जो भी हमारा टाइम जोन चलता है। हमारे यहाँ कोलकाता, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली चलता है, तो हम यहाँ इसको सिलेक्ट करके, और 2022 फरवरी का महीना है, 22 डेट है, और जो भी करंट टाइम है वो हमें यहाँ इंटर करना पड़ेगा। तो मैं टाइम अभी देखता हूँ क्या हो रहा है। टाइम अभी 10:52 हो रहे हैं, तो टाइम भी ऑलमोस्ट इस पर ठीक ही है, और पीएम चल रहा है ठीक है। और इसको हमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारी ऑलमोस्ट विंडो कंप्लीट हो गई है। बस ये हमारी विंडो डेस्कटॉप के लिए प्रिपेयर हो रही है। अब ये जो विंडो है हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन बनाने के लिए प्रिपेयर हो रही है, ये भी कुछ मिनटों में ही, थोड़ी देर में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब ये सिस्टम हमारा एक बार रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट होने के बाद इसकी डेस्कटॉप विंडो है, डेस्कटॉप स्क्रीन प्रिपेयर होकर हमारे सामने आ जाएगी। ये हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए प्रिपेयर हो रहा है और हमें बोल रहा है कि डू नॉट टर्न योर कंप्यूटर, डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। हमें इसका पावर केबल है वो नहीं निकालना है, और मैं इस सिचुएशन में मेरे कंप्यूटर को बंद नहीं करना है। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप विंडो हमारी यहाँ पे आ गई है। अब ये सिस्टम जो भी है हमारा पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुका है। अब इसमें जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ऑफिस सिस्टम है, तो ऑफिस सिस्टम में नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ होता ही है।
तो इसमें बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक वर्जन हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं, और गूगल क्रोम है, और जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम अपने पेन ड्राइव को इसमें इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, और सिंपली कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 2003 भी है और 2007 भी है, तो सिंपली 2007 ही ठीक रहेगा, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं ऑफिस में। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें इंटर दबाना है और इसकी इसे सिंपली यस करके इसमें आगे प्रोसेस करना है हमें। तो इसमें जो भी है ये सारे सॉफ्टवेयर बेसिक डाल लिख के मैं सिस्टम को कंप्लीट कर लूँगा। तो यही सब है आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके वीडियो बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। अब दोस्तों, इसमें हम की पेस्ट कर देते हैं। की पेस्ट करने के बाद इसमें राइट का सिंबल आ जाएगा, इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इस पर हमें चेक बॉक्स पर चेक करके कंटिन्यू करना है, और हमें इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें एमएस एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, एक्सेल की ज़रूरत है और इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस ग्रुप नाम से है, इन पाथ की भी ज़रूरत नहीं है, इन्फो पाथ, नोटपैड की ज़रूरत है, आउटलुक की ज़रूरत नहीं है, पावर पॉइंट भी चाहिए, पब्लिशर भी है, और ये भी ठीक है, वर्ड भी, फीचर्स भी ठीक है, टूल्स भी, बाकी सब ठीक है। इंस्टॉल सिंपली इसको करने के बाद हमें इंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारा एमएस ऑफिस है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।